साल 2021 बीजेपी सांसद और रेसलर फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ, पहले आप वो देखिए। ये वीडियो झारखंड में अंडर 19 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप के वक्त का है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक रेसलर को मंच पर ही थप्पड़ मार दिया। कारण, वो मंच पर इस बात की शिकायत लेकर पहुंचा था कि उसे चैंपियनशिप के 15 साल से कम उम्र की कैटेगरी में खेलने नहीं दिया गया। प्रतियोगिता के आयोजकों का कहना था कि उसकी उम्र ज्यादा है। इसके बाद युवा पहलवान इसकी शिकायत लेकर मंच पर पहुंचा और उसकी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह से कुछ बहस हो गई। इसके बाद सांसद ने मंच पर ही उसे थप्पड़ मार दिया। ये पहला मौका नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह विवादों में आए। ब्रजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक जीवन कई बार विवादों में आया है। आइए जानते हैं, कभी खुद पहलवान रहे और अब ओलंपियन पहलवानों के निशाने पर आ गए रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिनती यूपी के दबंग नेताओं में होती है। उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं और कैसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद। ब्रजभूषण सिंह ने फैजाबाद की साकेत यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की और छात्र जीवन से ही राजनीतिक तौर पर काफी सक्रिय थे। ब्रजभूषण शरण सिंह को राजनीति के अलावा पहलवानी का भी शौक था। उनका युवा जीवन अयोध्या के अखाड़ों में गुजरा। पहलवान के तौर पर वे खुद को शक्तिशाली कहते हैं। गोंडा के स्थानीय लोग बताते हैं कि ब्रजभूषण सिंह सक्रिय राजनीति में उतरने से पहले कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया करते थे। कॉलेज के दौर में ही वे छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए और यहाँ से शुरू हुआ उनका सक्रिय राजनीति का सफर। 1991 में और पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में भी लोकसभा के लिए वह चुनकर आए। कुल मिलाकर वह 6 बार लोकसभा के लिए चुने जा चुके हैं। ब्रजभूषण सिंह 2011 से ही कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। 2019 में वे कुश्ती महासंघ के तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए। 1988 में वे बीजेपी से जुड़े और फिर पहली बार 1991 में रिकॉर्ड मतों से सांसद बने। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ मतभेद के चलते उन्होंने कुछ वक्त के लिए पार्टी छोड़ दी थी और 2009 के लोकसभा चुनाव में वे सपा की सीट पर कैसरगंज से जीते। इसके बाद वे एक बार फिर 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। बाद के वर्षों में ब्रजभूषण सिंह का प्रभुत्व गोंडा के साथ साथ बलरामपुर, अयोध्या और आसपास के जिलों में बढ़ता गया। 1999 के बाद से अब तक एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। ब्रजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण भी राजनीति में हैं। प्रतीक गोंडा से बीजेपी विधायक हैं। बीजेपी से जुड़ने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी छवि एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर बनाई। अयोध्या के बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराने में भी वो अभियुक्त रहे। हिंदुत्व राजनीति के मुखर समर्थक रहे। ब्रजभूषण सिंह का नाम बीजेपी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी के साथ उन 40 अभियुक्तों में शामिल था जिन्हें 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने का जिम्मेदार माना गया था। हालांकि 2020 में कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। ब्रजभूषण शरण सिंह को महंगी गाड़ियों का शौक है और सूबे की राजधानी लखनऊ में लक्ष्मणपुर इलाके में इनका एक आलीशान बंगला है। हालांकि अतीत में उन पर हत्या, आगजनी और तोड़फोड़ करने के भी आरोप लग चुके हैं। ब्रजभूषण सिंह अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी बेबाकी का शिकार उनकी पार्टी बीजेपी भी हो चुकी है। साल 2022 में जब यूपी में भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई तो अपने चुनाव क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने वहां चल रहे राहत कार्यों को देखा और बहुत खिन्न नजर आए। उन्होंने इस दौरान अपनी पार्टी को ही लपेट लिया। कोई भी सरकार होती थी, बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई है। और भगवान के भरोसे लोग हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कब पानी टूटेगा और कब हमारी तकलीफ कम होगी। और मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। अफसोस ये है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। अभी हम लोग गए थे, माझा की तरफ गए थे, तो वहाँ बताया गया कि प्रशासन की तरफ से तुमने मिला, विधायक जी हैं और आपकी तरफ से कुछ गाड़ियां उन्हें लगाई गई हैं। ये ट्रैक्टर ट्राली लगवा दिया गया है। ट्रैक्टर ट्राली से जैसे कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, पानी का करंट भी ज्यादा था, वो उस पर चल रहे हैं और भगवान के व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। जिला प्रशासन क्या जनप्रतिनिधियों से कोई सलाह नहीं ले रहा? सलाह का अवसर नहीं है, समय नहीं है सलाह का। ये सलाह का अवसर होता है बाढ़ आने के पहले।
लेकिन बोलना बंद है, सुनना ही है, केवल बोलना बंद है। जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। 2022 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ब्रजभूषण सिंह ने कहा था कि समाजवादी पार्टी को वोट दोगे तो पाकिस्तान खुश होगा। इस पर काफी विवाद हुआ। बीते साल नवंबर में गोंडा में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी लेता हूं कि ओवैसी के पूर्वज हिंदू थे और उनके बाबा के पिता का नाम तुलसीराम दास था। इसे लेकर भी ओवैसी की पार्टी में काफ़ी हलचल देखने को मिली। नवंबर में उन्होंने बाबा रामदेव को मिलावटखोरी का सम्राट बता दिया था। उन्होंने पतंजलि पर नकली घी बेचने का आरोप लगाया था। तब पतंजलि ने उन्हें लीगल नोटिस भेजकर माफ़ी मांगने को कहा था, लेकिन सांसद ने माफ़ी नहीं मांगी। इसके बाद पतंजलि की ओर से दोबारा नोटिस भेजा गया और वह बिफर पड़े। उन्होंने कहा कि जिन महर्षि पतंजलि का नाम का उपयोग किया जा रहा है उनकी जन्मभूमि उपेक्षा के शिकार है। महर्षि पतंजलि के नाम का उपयोग करना बंद करें। वे बोले कि अगर महर्षि पतंजलि के नाम का दुरुपयोग बंद नहीं हुआ तो वो इसके लिए देशव्यापी आंदोलन करेंगे। खैर, मामला जैसे तैसे ठंडा हुआ। कुछ दिनों बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी और बिलावल भुट्टो को एक ही नस्ल का बताया। तब उन्होंने कहा था कि पता नहीं ये कैसे इधर उधर हो गए। पहलवान रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के दौर में भारत में कुश्ती के स्तर पर भी काफ़ी बदलाव आए। चाहे राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट हों या अंतर्राष्ट्रीय, चाहे सीनियर टूर्नामेंट हों या जूनियर, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह हमेशा सक्रिय नजर आते हैं। वह कभी अपने हाथ में माइक्रोफोन लेकर रेफरी को सलाह देते दिखते हैं तो कभी जजों को रूल बुक समझाते भी नजर आते हैं। ये ब्रजभूषण सिंह ही हैं जिन्होंने कुश्ती में अनुबंध सिस्टम यानी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की शुरुआत की। 2018 में लागू की गई इस व्यवस्था के तहत खिलाड़ियों को अलग अलग ग्रेड में बांटा गया है और उनके साथ इन ग्रेड के अनुसार एक एक साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। इस व्यवस्था के तहत कई खिलाड़ियों को, ए ग्रेड के खिलाड़ियों को 30 लाख रुपये, बी ग्रेड के खिलाड़ियों को 20 लाख रुपये और सी ग्रेड के खिलाड़ियों को 10 लाख रुपये और डी ग्रेड के खिलाड़ियों को 5 लाख रुपये मिलने का प्रावधान है। पहली बार व्यवस्था लागू की गई तब ग्रेड ए में बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और पूजा ढाडा को रखा गया। ग्रेड बी में सुशील कुमार, साक्षी मलिक, जबकि ग्रेड सी में रितु फोगाट और दिव्या काकरान जैसे खिलाड़ियों को रखा गया था। ब्रजभूषण शरण सिंह बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या और श्रावस्ती के 50 से अधिक शिक्षा संस्थानों से जुड़े हुए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को पूरे राजनीतिक करियर के दौरान बस एक ही कसक रही, वह है कैबिनेट मंत्री न बन पाने की। बीते साल एक कार्यक्रम के दौरान उनका यह दर्द छलका। तब उन्होंने कहा था कि हमको मंत्री बनना लिखा ही नहीं है, मेरे हाथ में यह रेखा ही नहीं है, वो तो केवल शास्त्री जी के लिए है। दरअसल सांसद ब्रजभूषण अपने ही गांव के वरिष्ठ बीजेपी नेता रमापति शास्त्री का जिक्र कर रहे थे जो 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके थे। फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह पर देश के बड़े पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने यौन उत्पीड़न जैसा आरोप लगाया है। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया मानसिक उत्पीड़न की बात कर रहे हैं। हालांकि इन सब आरोपों को ब्रजभूषण शरण सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया है। उनका क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। जब ये सारी चीजें निकल करके आई हैं, मैं चाहता हूं कि अभी आपका सवाल एक एक करके जो पूछना हो, जो आरोप लगा एक करके, कत्ता ही नहीं हुआ, एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊं। दूसरा सवाल ये है कि यदि नहीं हुआ है तो अब आप क्या करेंगे, आपका क्या कहना है? क्योंकि उन लोगों आप उनको बुलाएंगे मिलने के लिए, आप उन लोगों को मिलने के लिए बुलाएंगे या कोर्ट में जाएंगे? देखिए, ऐसा है, पहले एक सुनिए, वो खिलाड़ी है, हम अध्यक्ष हैं, हम उनसे मिलने के लिए ही आए थे। जैसे मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं बाराबंकी में एक कार्यक्रम में था और मुझको वापिस से फोन गया कि कुछ खिलाड़ी, पहले इतना नहीं पता था कि कुछ खिलाड़ी जो है ट्वीट किए हैं, फिर पता लगा कि धरने पर बैठे हैं। मैं बाराबंकी से मैंने फोन किया कि कोई फ्लाइट है और मैंने विनोद तोमर जी को भेजा कि जा करके हमारी उन लोगों से बात करा दो, किसी से बात करा दो, बजरंग पुनिया से बात करा दो, बजरंग ही लीड कर रहा था, मैं बजरंग से बात करा दो, वो बात नहीं किया। फिर मैसेज भी करवाया कि मैं बात करना चाहता हूँ, वो लोग बात नहीं किए। तो हमने कहा चलो भाई, इस समय बात इसलिए नहीं कर पा रहे होंगे कि धरने बैठ गए हैं। अब जब धरने पर बैठ गए हैं तो हो सकता है कुछ लोग कहें ना बात करो, तो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने तुरंत, और उसके बाद आप लोग भी पहुंच गए, तो मैंने तुरंत आनन फानन में, मेरा कल का कार्यक्रम अलग लगा हुआ था, आनन फानन में अभी परसों 20 तारीख से ओपन नेशनल भी है, मैं आनन फानन में फ्लाइट लिया और आपके सामने बैठा हूँ। रहा सवाल यौन शोषण, नहीं हुआ। अब देखना है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह बड़े खिलाड़ियों के आरोपों का सामना कर पाएंगे, क्या वह अपने पुराने अड़ियल तेवर में नजर आएंगे या नरमी से काम लेंगे। फिलहाल जंतर मंतर पर पहलवान डटे हुए हैं और फेडरेशन के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं
और न्यूज़ नेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।